यूनियन बजट 2017-18 से एक अच्छी उम्मीद हम लोग वित्त मंत्री जी से लगाए बैठे हैं, खास करके अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट के लिए कुछ ऐसे अनाउंसमेंट की हम उम्मीद कर रहे हैं जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग को और ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। जैसा रिसेंटली आपने देखा कि बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट कट किया है, इन सेम मैनर हम लोग वित्त मंत्री जी से कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस देना, जिससे डेवलपर्स के लिए जो चीपर रेट के लोन्स हैं वो प्रोवाइड होंगे। दूसरी जो टैक्स स्लैब है एक आम इंसान के लिए, उसको थोड़ा ईज आउट करना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अफोर्डेबल हाउसिंग में अपने घर ले सकें। तीसरा, प्रधानमंत्री जी से का जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो सपना है, उसके अंदर जो क्राइटेरिया लेवल है, जो अभी 6 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स जो इनकम कर रहे हैं उनके लिए है, वो उस लेवल को बढ़ाना माइट बी 12 लाख या 18 लाख रुपए तक की इनकम क्राइटेरिया को उसके अंदर लाना। ऐसे कुछ स्टेप्स हम लोग उम्मीद कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे अनाउंसमेंट हमें इस बजट में सुनने को मिलेंगे। ये बिल्कुल क्लियर कट है कि गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बहुत पॉजिटिव मैनर में काम कर रही है। हाँ, कुछ ऐसे एरियाज हैं लाइक वन विंडो क्लियरेंस सिस्टम, दूसरा जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, उस रॉ मटेरियल कॉस्ट के को कुछ सब्सिडाइज किया जा सके, जिससे इस अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर एनकरेज हों इस अफोर्डेबल हाउसिंग को बनाने के लिए। तो वित्त मंत्री जी से हमारी यही मांग है कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए हर वो कदम उठाने की वो कोशिश करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर को एनकरेज किया जा सके। थैंक यू।